अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सो बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज है हल्दी डे, तो अभी मैं जा रही हूँ रेडी होने, तो सोचा कि ना आपको बताऊँ मैं क्या पहने जा रही हूँ। और हाँ, फुल लुक तो मैं वहाँ जाके दिखाऊंगी, बहुत जल्दी मुझे क्विकली मेकअप भी करना है, फौरन तैयार होना है। तो अभी टाइम बहुत लेट हो रहा है, मुझे बहुत जल्दी जाना है क्योंकि मम्मी डांट रही हैं, जल्दी तैयार हो। तो बस आपको ड्रेस दिखाते हैं और बताइएगा। मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हूँ बट्टे में, मतलब बोलने में कि कौन सा लूँ। चलिए आपको ड्रेस दिखाते हैं। सिंपल सा आउटफिट, ये कुर्ती है एंड ये दुपट्टा भी है और ये भी है, मगर कौन सा ओढ़े इसमें समझ में नहीं आ रहा। तो जल्दी जल्दी ड्रेस पहन के देखते हैं और फिर देखते हैं कौन सा अच्छा लगता है। तो चलिए तैयार होके मिलते हैं। तो मैं अपनी खाला के घर पहुंच गई और यहाँ पे देखिए डेकोरेट ऐसा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा था। शादी वाला घर और ये सब स्टेज सजा हुआ था। यहाँ पर मेरी सब कज़िन वज़िन आ गई थी और स्टार्टेड, मतलब मैंने आपको लुक दिखा रही हूँ, बहुत अच्छा स्टाइल से था। और इससे भी बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, बट ये नॉर्मल था, बट अच्छा लग रहा था। ये बंदूक ने बहुत ही कांड किया। इसके बाद ये मेरा होता है आउटफिट और ये मैं अपनी मम्मा लोग से पूछा, मम्मी इन्होंने कहा यही दुपट्टा अच्छा लग रहा लो। तो देखिए मैं हूँ यहाँ पर, मैं शूट कर रही थी, सब ओम फोम बोल रहे थे तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी। और इस बंदूक ने, मतलब इस गन ने, कलरफुल गन ने तो बहुत वहाँ पर कांड किए। तो फिर इसके बाद कहते हैं स्टार्ट मिलाद, तो चलिए हम मिलाद सुनते हैं। फिर लगा यहाँ पे नाश्ता जो मेहंदियों में मानसू में होता है, फिर दिन खाना खाने में पराई थी, पराई में कोरमा था, बहुत ही टेस्टी था खाना, बहुत अच्छा था। तो ये हम लोगों ने स्टाइल से खाया और बहुत इन्जॉय किया। तो इसी वीडियो में आपको सब क्लिप दिखाऊंगी क्योंकि मैं ज़्यादा शूट नहीं किया था क्योंकि सब बिज़ी थे और मैं भी बिज़ी थी। ऑफकोर्स शादी में लोग बिज़ी होते ही हैं तो इसलिए बिज़ी थी। तो बस यहाँ पर मेरी सिस्टर खाना निकाल रही थी, देन उसके बाद हल्दी फंक्शन स्टार्ट हो गया था। तो बस हल्दी बाद में छुली है, तो ये हल्दी का सब आ गया था, दूल्हे राजा बैठे हुए हैं। तो ये सेकेंड डे की वीडियो है जो हम लोगों ने लगन सेकेंड डे ही खुलवाया था। और आप लोगों ने अगर मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा लगन की मैंने तैयारी कैसे की है, तो ज़रूर से जाके देखिएगा। जिसने नहीं देखा है, हम ये सेकेंड डे की थी तो मम्मी ने बोला था सेकेंड डे खुलवाते हैं, फर्स्ट डे तो सभी खुलवाते हैं बहुत, और बहुत ज़्यादा भीड़ भी होती है उस टाइम, मतलब मिलाद मिलाद भी होता था ना, रश रहता इतना। तो ये मेरा सेकेंड डे का आउटफिट था और मैंने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं की है, इसके लिए सॉरी। बस इतनी थी कि बहुत ज़्यादा मेरा फ़ोन बिजी था। तो नेक्स्ट मेहंदी वाला दिन दिखाते हैं आपको। हम लोग मेहंदी अपने घर ही से लगवा के गए थे क्योंकि वहाँ पता नहीं मिलती ना मिलती, तो इसलिए हम लोग लगाने के लिए एक लड़की आई थी, बहुत ही अच्छे से मेहंदी लगाई थी। मेरे हाथों में बहुत अच्छी चढ़ी थी, देखिए मेरे हाथ में मेहंदी इसने लगाई है, कितनी अच्छी लग रही है। तो मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर लगाऊंगी क्योंकि मुझे मेहंदी लगाना बहुत पसंद है। और जिसको पसंद है ज़रूर कमेंट्स में बताएं। और अपना करना। हे गाइस, तो मैं आप पहुंच गई हूँ बारात वाले दिन पार्लर, क्योंकि मैं खुद मेकअप तो कर लेती हूँ, हेयर स्टाइल स्टाइल जो होती है वो, उसके लिए अभी सामान घर में बिल्कुल नहीं था कि करते, और मेरे हाथ की मेरी देखिए कितनी अच्छी चढ़ी है। तो हम लोग पार्लर पहुंच गए और यहाँ पर दीदी मेरा इतना सॉफ्टली हाथ से मल रही थी, इतना सुकून मिला था, नींद आने लगी थी मुझे। देन उसके बाद हो गया था मेकअप स्टार्ट हम लोग का। मैं अपने आप को देख रही थी कितना भूत बना दिया है और बाद में घर पे बहुत डांट खाई थी, पार्लर क्यों गई ऐसी तैयार हो जाती वगैरह वगैरह। अब जानते हो ना, भाइयों की शादी हो और बाहर तैयार ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता।
तो आपको मैं अभी फाइनल लुक दिखाऊंगी। उन्होंने मेकअप मेरा अच्छा किया था, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा था, और मेरी फेवरेट लिपस्टिक भी लगाई थी जो मुझे पसंद है। देन उसके बाद मेरा हेयर स्टाइल हो रहा था, हेयर स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बारात वाले दिन का हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगा। आप खुद देख सकते हो मेरे पे कितना सूट कर रहा है। देन फिर बारात निकल रही थी, देखिए यहाँ पे हो रहे गड्ढे गड्ढे बज रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे शहनाई, और शहनाई में हम लोग जाते ही सारे इंजॉय तो किया, मैंने क्लिप नहीं ले पाई। मैं पहले बता रही बहुत बिजी रहते हैं, फ़ोन मेरा इतना बिजी रहता है फ़ोटो खींचने में लोगों के कि मैं बता नहीं सकती। मैंने जो जो क्लिप ली ली, एंड देन उसके बाद मैं आपको अपना आउटफिट स्लो मोशन में दिखाती हूँ, तो आप ज़रूर देखेंगे मेरा स्लो मोशन वीडियो है जो मैंने बनवाई थी। एंड देन फिर आपको मैं क्लिप फ़ोटो भी ऐड कर दूँगी जो मेरा आउटफिट। ये मेरा वलीमे का आउटफिट, बताइए कैसा लगा। वैसे सबको बहुत प्यारा लगा था, आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट में कैसा लगा। तो मैं आपको यहाँ पे भी स्लो मोशन वीडियो दिखा दूँगी, क्योंकि मैंने क्लिप वलीमे की बिल्कुल नहीं थी, मैं भूल गई थी, एकदम दिमाग से उतर गया था मेरे कि मैं ब्लॉग भी बनाती हूँ और शूट भी करती हूँ। तो ये मेरी स्लो मोशन वीडियो है, उसमें आप मेरा एड्रेस देखिएगा और ज़रूर बताइए कैसी लग रही हूँ मैं। तब तक के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, और आई होप सो आपको अच्छा लगे, और नहीं भी अच्छा लगता तो भी लाइक करिए। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।